राम राम मेरी पूरी YouTube फैमिली को। तो सुबह के 9:30 हो गए हैं। आज क्रिस थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि उसे बाइक पे जाना है, तो मैं क्रिस के लिए खाना बना रही हूँ। और आज माना जी घर पे खाना नहीं खाएंगे, उनकी बाहर पार्टी है कोई शादी में, तो हम घर पे पार्टी करेंगे। तो मैंने चावल बनाए हैं, फीके चावल बनाए हैं, और दाल है तो मैं तो दाल चावल खाती हूँ, क्रिस शक्कर चावल खाएगा। और यहाँ पे बन रहा है ढोकला, तो चेक कर लेते हैं कि ढोकला रेडी हुआ या नहीं। ये देखिए, तो पहले थोड़ा चेक करूंगी, उसके बाद में ढोकला खोल के देखूंगी ढोकला रेडी है या नहीं। तो मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद में, जब ढोकला पूरा रेडी हो जाता है फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी यहाँ पे बैठे हैं। क्रिश गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग सभी यूट्यूब फैमिली वालों को। आगे लेके आओ, ये देखो हमने ढोकला का तड़का तैयार कर लिया है। मैं पलट दूँ उसे? पलट दो, लाओ तो प्लेट ना है। मुझे दे दो के ऊपर प्लेट लगा लो पहले, फिर पलटना है। ऐसे कर दो, ऐसे नहीं दो, टूट जाएगा फिर ये, ऐसे होता है। अब घुमाओ थोड़ा सा, थप थपा दो। वाओ वाओ, एकदम स्पंजी सॉफ्ट, देख सकते हो आप कितनी सारी जालियां आई है, एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। अब इसमें कटिंग करनी है, मैं कर दूंगा। चलो ये लो, ये वाला आगे से साफ कर लेना थोड़ा सा। तड़का रेडी हो चुका है, इतना सा नहीं नहीं, थोड़ा बड़े बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े आइडिया देख ले कितने कट हो जाएंगे। 1 2 3 हाँ, ऐसे यहाँ फिर सीधा सीधा कट करना है। देख कितना सॉफ्ट है, नाइफ है वो इजीली अंदर जा रहा है इसकी, देखो रखते कितना इजी जा रहा है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी हाँ जी, इधर की साइड से भी 4 पीस कर दो। बस तो आपको दिखा देती हूँ एक पीस, ये देखिए पूरे में खूब सारी जालियां आई है। तो ये देखिए ढोकला एकदम रेडी हो गया है, और मैंने इसके ऊपर तड़का वगैरह डाल दिया है। क्रिस एक प्लेट ले और लड्डू गोपाल को भोग लगा दे, उसमें इसमें लगा दे। सॉस भी डाल दे, लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। आप मेरा पैक करो टिफिन। सॉस कहाँ पे है? ले रहा हूँ। एक खा लो, एक बार खा लो। क्या बताऊं? इतने ज्यादा सॉफ्ट है कि ऐसे जीप पे रखते, जीप फॉल करते साथ में टूट जाता है, इतना स्पंजी बना है। इतना स्पंजी है, देखो लो बाप, जोर नहीं लगाना पड़ता, इतना सॉफ्ट, मजा आ गया। 9:15 का टाइम है और क्रिस जा चुका है, तो मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर का कुछ काम बाकी है तो वो कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं गायों को पानी पिला देती हूँ, और अंदर की जो गाय है मैंने यहाँ बांध रखी है उनके लिए पानी यहाँ पे मैंने रख रखा है, ये नांद इसमें डाल देती हूँ, तो ये पूरा दिन पानी अपने आप पीती रहती है। लेकिन ऊपर जो पेड़ है ना उससे इसके अंदर काफ़ी पत्तियाँ गिर जाती है और पानी गंदा हो जाता है, तो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे इसे धोकर साफ़ करना पड़ता है। तो पहले मैं मणि के लिए इधर की साइड इसे बांध देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन इसे पानी की नीड होती है, तो इधर की साइड में मैं इसे बांध दूंगी, तो जब इसका मन चाहेगा तब ये पानी पी सकती है। और बाहर जो मैं कप्पू और उसकी बेटी टीजू है उसको बाहर की साइड रखती हूँ, तो उन्हें पानी पिला के अब थोड़ा नहला देते हैं। गर्मियाँ आ गई है तो गर्मियों में पशुओं को नहलाना भी ज़रूरी होता है। जो लोग कहते हैं ना कि छत पे पानी रखो पक्षियों के लिए, तो भाई पशुओं को भी नहलाना बहुत ज़रूरी है। पक्षियों को जैसे पानी की ज़रूरत है वैसे भी इन्हें भी नहाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दो बार तो ज़रूर नहलाना चाहिए।
क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अचब जो गाय होती है ना उसे गर्मी ज़्यादा लगती है। जो देसी वाली है उनको मैं नहलाती नहीं हूँ, आदत नहीं बिगाड़ रही हूँ, लेकिन इन गायों को ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये देखिए कितने आराम से ये नहा लेती है। तो इन माँ बेटी को मैंने नहला दिया है और इसके बाद में उनका खूंटा चेंज कर देती हूँ। तो इसको तो मैं अंदर लेके जाऊँगी क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, छाया यहाँ पे कम है, तो इसे अंदर बांध देती हूँ। और जो इसकी बेटी है उसे बाहर ही रखूँगी, उसके लायक छाया वहाँ पे है तो वो बाहर ही रहेगी। तो इसे यहीं पे बांध देती हूँ और ये बाहर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन आज मुझे यहाँ पर पानी छिड़कना है। जो हमारा गलियारा है वो कच्चा है तो पूरा का पूरा एकदम फूट रखा है, पशुओं के खुर से ये फूट जाता है। तो कल क्या है कि चुटकी भाग गई थी और बैल भी आ गया था घर में, तो उसकी वजह से ये पूरा गलियारा फूट गया था। और पानी छिड़क के मुझे इसे फिर से जमाना पड़ेगा, नहीं तो झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले पानी यहाँ पे छिड़क दूंगी। आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ लेकिन हवा चल रही है तो करके गर्मी कम लग रही है, वरना लेट है, लगभग 10:30-11 का टाइम मेरे ख्याल में हो चुका है। मैं जब एक बार बाहर आ जाती हूँ ना तो फिर पूरा काम किए बिना अंदर नहीं जाती हूँ। अभी कोई पैसे देके गया तो मैं पैसे रखने के लिए भी अंदर नहीं गई। तो ये देखिए यहाँ पे रख लेती हूँ। ऐसी मेरी आदत है और वो मुझे कई बार डांटते हैं कि तू फ़ोन क्यों नहीं उठाती, तो फ़ोन अंदर होता है तो वो अंदर ही होता है, फिर मैं अंदर नहीं जाती। एक तो मेरे जूते गंदे होते हैं तो बार बार खोलना बदलना ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पहले मैं गेट लगा देती हूँ फिर अंदर जाऊँगी, क्योंकि कल बेल आ गया था, शायद इस साइड से आया था और पूरा दलिया वगैरह खा गया था। तो गेट लगा देती हूँ, अंदर चली गई तो बाहर नहीं आऊँगी, बाहर आ गई तो अंदर नहीं जाऊँगी, ये मेरी एक खासियत है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, गेट लगा देती हूँ। क्या काम होता है देखिए, चप्पल भी इस तरह से बिखरी पड़ी है तो इनको भी सेट करके छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से चप्पलें इस तरह से बिखरी हुई घर में नहीं होनी चाहिए, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रह जाती है। तो मुझे इनको सबको सेट करके छोड़ना पड़ता है। तो देखिए राइट 11 बज गए, किचन की सफाई बाकी पड़ी है तो किचन की सफाई करूँगी। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद में कोई और काम करूँगी। काफ़ी थक जाते हैं, बाहर से आई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आज तो 11 बज गए, वैसे 11 बजे काम नहीं होता मेरा, आज लेट हो गई क्योंकि ढोकला वगैरह बनाया तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।